तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आज की बारी है हमारी, जो भी कार्टेज रहते हैं, वैक्सीन कार्टेज है ये, तो ये क्या होता है, ख़त्म होने के बाद हम फेंक देते हैं और बहुत महंगे, मतलब 100-150 के पड़ते हैं। हर बार ये करते रहो और फेंकते रहो, करते रहो, फेंकते रहो, तो उससे अच्छा आज मैंने बता रही हूँ कि आपको रिफिल कैसे करें, इसको फिल कैसे किया जाए। और मेन बात है कि ये कमेंट भी आया था, तो ये जो लिपोसोल्युबल वैक्स है, जो मतलब तेल के साथ घुलता है, इसका साफ़ सफाई हम तेल से ही कर देते, तो ये हो गया। ओके, सबसे पहले हमें डबल बॉयलर तैयार करना होगा। डबल बॉयलर के लिए हम पानी ले लेंगे, पानी को गर्म होने देना और उसके ऊपर क्या कर लेना है आपको, ये डब्बा डायरेक्टली रख सकते हो। ओके, नहीं तो आप वैक्सीन हीटर पे भी ये डब्बा डायरेक्टली डाल सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, तो डबल बॉयलर में जल्दी होता है, ऐसे रख देना है, पानी उबलने देना है। पानी उबलने देंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये कार्टेज को निकाल लेना है। इसका जो ऊपर का ढक्कन है ना, वो देखिए कितना खाली हो गया है। तो इसका ऊपर का निकालने के लिए इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है। मैंने गर्म कर लिया है, बहुत ही हीट है, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे गर्म रहा तो आप ऐसे कुछ भी प्लास्टिक का या स्पून वगैरह ले सकते हो। ऐसे हल्के से ऊपर ऊपर करते रहोगे ना, ये आराम से निकल जाता है और इसमें हम आराम से फिल कर सकते। देखिए ऐसे निकल जाता है। ओके, तो अभी इसको निकाल के रख लिया है हमने, और इसमें हम अब डालेंगे डायरेक्टली वैक्स डालेंगे। ओके, तो हमारा ये जो वैक्स है डबल बॉयल में रखा था, ये गर्म हो गया है, बहुत ही गर्म है, तो आप इसको मतलब बहुत धीरे धीरे भी डाल सकते हो, कभी बिगड़ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत इतना गर्म ना करें कि आप जल बिल जाओ। चाहिए तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप चाहिए तो ग्लोव्स वगैरह भी पहन सकते हो, लेकिन मैंने तो ये कम से कम 100-150 बार किया होगा तो मुझे ऐसे आदत है। तो ऐसे भर लेना है उसको, और ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था अंदर का, तो ऊपर का जो है वो डेंस था, मतलब थिकनेस था, तो गिर जाता है मेरे हाथ में और वैक्स के वो कार्टेज में वगैरह गिर जाता है, पसर जाता है थोड़ा बहुत। तो इसको अच्छी तरह फिल करते रहना है। ऐसे फिल करने के बाद आप जितना आप चाहिए उतना फिल कर सकते हो, एकदम ऊपर तक नहीं फिल करना है। जब आप ढक्कन लगाओगे ना तो ऊपर से आता है, तो इसको थोड़ा बहुत मतलब एक सेंटीमीटर तक कम रहने दें, ताकि इसके ऊपर का जो इसका मुँह है वो बंद कर सके हम लोग। ओके, तो इसको बंद करने के बाद अगर इसमें जो वैक्स गिरा था उसको कैसे निकाले, तेल ले लेना है, तेल से अच्छी तरह उसको मालिश कर लेना है, फिर कपड़े से पोंछ लेना है। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो कार्टेज इजीली जो वैक्स गिरा हुआ लिपोसोल्युबल वैक्स वो निकल जाता है, और जो भी लिपोसोल्युबल जो यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, तो बहुत दिनों के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो ऐसे आराम से आप रिफिल कर सकते हो घर में ही, और हजारों पैसे, हजारों रुपया बचा सकते हो। तो अभी ये हो गया है तैयार, इसको गर्म कर दें, लाइट जल गया है, देखिए लाइट जल रहा है, हाँ जला हुआ है येल्लो। तो इसको आप नॉर्मली वैक्स कैसे करते हो वैसे आप प्रयोग कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय, फिर मिलेंगे, बाय।